हरे कृष्णा, जय श्री राधे। और आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या फैला के रखा है हमने, क्या हो रहा है अब। बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगी क्या हो रहा है। इससे पहले हम तीनों की तरफ से आपको राधे राधे। और ये जो हमारे छोटे वाले लाला हैं, ये हमारे भाई हैं, मैंने आपको इससे पहले भी व्लॉग में बताया था। और ये पिछले 6 महीने से मेरे पास ही हैं, मेरे साथ ही रह रहे हैं, और मुझे खूब सारा सेवा करने का इन्होंने मौका दिया है। लेकिन अब ये जा रहे हैं अपने मम्मी के पास, मतलब कि अहमदाबाद जा रहे हैं, और रिटर्न में हमारे साथ वापस नहीं आएंगे। तो आज का व्लॉग है कि हम इनकी पैकिंग करने वाले हैं, इनकी विदाई है। तो व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा एकदम, मतलब जब से मुझे ऐसा हुआ है ना कि मुझे जाना है इनको छोड़ के, तब से मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मेरी तो आधी ज़िंदगी ही समझो ख़त्म होगी, क्योंकि 6 महीने से हम तीन थे साथ में। बीच में गए थे एक दिन इनको छोड़ने के लिए, तो वापस आ गए हमारे साथ। हम जैसे ही गए एक हफ्ते में वापस आ गए, और अब ये अब बोल रहे हैं कि जाना है और हम वापस नहीं आएंगे। इतने दिनों तक हम तीन लोग घर में थे, इतनी मस्ती करते थे, खाना बनाते थे, इनको खिलाते थे हम लोग, और अब फिर से हम दो हो जाएंगे और ये अपनी मम्मी के पास रहेंगे। बोल रही हूँ मत जाओ, तो कहते नहीं अब जाना है, क्योंकि इनकी मम्मी ने इनको कल डांटा था ना वीडियो कॉल पे, इसीलिए इनके जाने का टाइम हो गया। तब हम इनकी पैकिंग करते हैं, तब हम रात को निकलेंगे। और घर में हमने किसी को नहीं बताया कि हम आने वाले, सरप्राइज है, क्योंकि वो लोग कब से वेट कर रहे हैं कि हम लोग जाएँ, क्योंकि इनका बर्थडे नज़दीक आते जा रहा है ना, 21 जून को है। वो लोग कह रहे अगर तुम नहीं आ रहे हो तो हम लोग आ जाते हैं, और मैंने अभी तक इन लोग को बताया नहीं है कि हम लोग आज रात को, यानी कि आज संडे है ना, 11 तारीख है, हाँ, तो आज हम रात को 11 बजे निकल जाएंगे। तो उससे पहले हम सब सारी पैकिंग कर रहे हैं, और हम जाएंगे बस से जा रहे हैं, फ्लाइट से नहीं जा रहे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सामान हो जाएगा, और ये दोनों बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, तो मुझे बास्केट में लेके कैरी करके जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमने सोचा कि हम बस से रिलैक्स होकर अच्छे से जाएंगे। तो व्लॉग शुरू करते हैं इनकी पैकिंग। इनके सारे गिफ्ट तो आपने देखे थे जो भी हम लाला के लिए लेके आए हैं। तो ये इनका बैग है, वैसे तो इस बैग में हम इनके कपड़े लेके नहीं जाते, इनका बैग अलग है, छोटा सा है, आपको दिखेगा। वृंदावन हम जब जा रहे थे तब हमने इनके बैग की पैकिंग की थी, तो वो बैग काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो उसमें तो इनके कपड़े वगैरह आ नहीं पाएंगे, तो हमने ये वाला बैग लिया। इसको हमने अच्छे से क्लीन वगैरह कर लिया है। अब छोटे बाबू के बर्थडे, तो छोटे बाबू कपड़ा ज़्यादा लेके जाएंगे, बड़े बाबू तो मेरे साथ वापस आने वाले हैं, उसका तो कोई इशू नहीं है। तो ये सारे कपड़े हैं इनके, तो हम एक एक करके सारे कपड़े इनके पैक करते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला रख देते हैं, और पगड़ी में हटा देते हैं, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन पगड़ी का ही होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है पगड़ी, तो हमको हटा देते हैं, बांसुरी रहने देते हैं। तो ये दो ड्रेस इनका ही है, इनके सारे कपड़े रख देते हैं। बड़े बाबू का खाली जब इनका बर्थडे होगा और रथ यात्रा, ये दो ही कपड़े हैवी लेके जाऊँगी, बाकी सब छोटे बाबू के कपड़े हैं, तो वही सब हम पैक कर देते हैं। ये मैं रहने देती हूँ, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैवी है, इसके अंदर सब पगड़ी है हमारे छोटे बाबू और बड़े बाबू की, आपने देखी होगी ना, हमने जब वार्डरोब का जब कर रहे थे तो उसमें रखा था हमने। ये वाले कपड़े का भी वीडियो हमने बनाया था, बहुत सुंदर है। तो ये दो है इनके छोटे, दोनों एक ही है लेकिन कलर अलग अलग है। मैंने कहा था ना कि खूब सारे कपड़े हमने लिए हैं इनके लिए, सारे कपड़े हम पैक करेंगे इनके। मम्मी तो डांटने वाली है, ऑफकोर्स बैग देखेगी तो चिल्लाएगी और डांट खा लेंगे। इतने बेशरम हो गए ना हम मम्मी के मुंह से डांट खा खा के, तो हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देख लेते हैं एक बार इसमें क्या है। अच्छा हाँ, ये इनका है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम ऐसे ही रख देते हैं। हम तकरीबन 10 दिन के लिए जा रहे हैं, पैसा तो नहीं है, 10 दिन के बाद 10 दिन तो हम वहाँ रहेंगे छोटे वाले बाबू के साथ ही,
मतलब उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, जन्माष्टमी, जन्माष्टमी क्या सॉरी, रथ यात्रा भी हम वहीं सेलिब्रेट करेंगे, उसके बाद हम आएंगे। लेकिन सोचो अभी तक हम गए नहीं, उससे पहले ही मुझे टेंशन हो गया है कि मैं छोड़ के जा रहे हैं मेरे को। और देखो कैसे बैठे, देखो ऐसा भी नहीं कह रहे कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा दीदी, मैं आपके पास ही रहूंगा, ऐसे भी नहीं बोला इन्होंने अभी तक मुझे एक बार भी। बस इनको मम्मी ने डांटा है ना, शायद मम्मी बहुत ज्यादा याद कर रही होगी इनको। 6 महीने इनकी सेवा करते हुए तकरीबन हमको ये 2 साल हो जाएंगे इस जून में। पहली बार ये अपनी मम्मी को छोड़ के मेरे पास 6 महीने तक, ये अपनी मम्मी को एक सेकंड नहीं छोड़ते, और ना इनकी मम्मी इनको छोड़ के कहीं आती जाती नहीं है, कहीं भी नहीं जाती, और अगर जाएगी तो इनको लेके जाएगी। और देखो फर्स्ट टाइम ये छोड़ के आए थे जब मेरे पास ना, तभी मैंने कहा था कि ये कुछ तो करेंगे। और आप मालूम है ये क्यों आए थे हमारे पास मुंबई, क्योंकि इनको जाना था होली खेलने वृंदावन, तो इनकी वजह से ही हम होली खेलने वृंदावन गए थे। अगर ये नहीं आए होते ना तो हम होली खेलने वृंदावन पहुंच ही नहीं पाते कभी भी, तो इनकी कृपा से ही हम होली खेल के आए थे वहां पे। एक एक करके हम सारी पगड़ी यहाँ पे ही डाल देते हैं, ये तो नॉर्मल पगड़ीज है देखो, तो हम इसको नीचे ही रख देते हैं ताकि ज्यादा प्रेशर ना पड़े, तो सब खराब हो जाएगा। इस तरीके से रख देते हैं। ये वाली भी कितनी सुंदर है, ये भी हम वृंदावन से लेके आए थे, बहुत सुंदर सुंदर मिलता है वृंदावन में, बस थोड़ी सी बार्गेनिंग करनी पड़ती है। अगर आपको बार्गेनिंग करने आती है ना तो आप ले सकते हो, कुछ लोग तो नहीं भी करते हैं, फिक्स रेट पे ही देते हैं, क्योंकि अब पब्लिक जाने लग गए हैं ना वहाँ पे, तो थोड़ा सा प्राइस फिक्स कर देते हैं। और ये देखिए ये पगड़ी, ये होली पे पहने थे, ये देखो कैसे खराब किए कलर लगा के। सारी चीजें पैक कर देते हैं, ये इनकी पगड़ी वगड़ी अच्छे से, ये देखो इतनी सारी पगड़ी, 6 महीने, बाप रे, मैं भी खुद सोच रही थी कि ये मेरे पास रह कैसे लिए इतने दिन। चलो ये हो गया इनका लास्ट सारी पगड़ी, एक ही जगह पे रख दूंगी ताकि वहां जाके हमको ज्यादा मेहनत करके ढूंढना ना पड़े। ये हो गया, लगता है इन्हीं के कपड़े आने वाले हैं, क्या मेरे कपड़े नहीं आ पाएंगे मैं क्या पहनूंगी ये तो इनके पगड़ी में ही आधा पूरा पैक, ये सब पूरा पैक हो गया। एक और बैग रखना पड़ेगा मुझे लग रहा है छोटा, ये रख लिया हमने। अब ये रहे इनके सारे फ्रॉक, हमने हैंगर में रखे थे सुंदर तरीके से। ये होली का है, होली वाला पतका तो हमने रख दिया है, इसका टेंशन नहीं, ये रख लेती हूँ मैं, पहनना होगा तो नॉर्मली भी पहन लेंगे, टेंशन नहीं है। ये तो बड़े बाबू का है, लेके चलती हूँ, ये भी कॉटन है, बहुत सुंदर ड्रेस है, पोशाक है, चिकन का, चिकनकारी चिकनकारी। ये तो छोटे छोटे से हैंगर भी लाए थे हम इनके लिए, इतना शौक है ना मुझे इनकी हर चीज का। लोग सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या क्या ढूंढते हैं, मैं सोशल मीडिया पे सिर्फ कपड़े ही ढूंढती हूँ। मैं जैसे ही इंस्टाग्राम ओपन करूंगी ना, एक से बढ़कर एक कपड़े आते हैं मुझे। मम्मी मेरी बोलती है बस तुम कमाओ और पैसा लुटाओ, बस ये तुम कमाओ और पैसा लुटाओ, बस यही चीज करो, और मैं वही दोनों चीज वही काम करती हूँ। तो ये एक एक करके रखते हैं, और साथ में हम इनके खाने पीने की भी चीज़ें लेके ही जाएंगे। वैसे तो रात की बस है लेकिन हम पैकिंग वगैरह सुबह ही कर ले रहे हैं, और इनके स्प्रे लगना पड़ेगा, जिस पानी की बॉटल एक ले लूँगी मैं, जिसके अंदर मैं गंगा जल और तुलसी का पानी डालूंगी। जैसे मैंने इससे पहले ही बताया था कि अगर आप यात्रा वगैरह में जाते हैं कभी भी, तो अपने पास तुलसी और या फिर गंगा जल का पानी रखें हमेशा। जब सीट पे आप लाला को विराजमान कराते हैं, वहाँ बिठाते हैं, तो बास्केट जरूर रखिएगा, आसन जरूर रखिएगा, उससे पहले आप गंगा जल या जो तुलसी का पानी आप कैरी करके लेके जा रहे हैं उनको, उसको पहले स्प्रे कर दिया कीजिए हमेशा। जब बैठे लाला को बिठाएं उससे पहले स्प्रे कर दो पूरा पानी, ताकि वो जगह साफ हो जाए, क्योंकि लोग पैर लगा के आए, जूते पहन के, पता नहीं कैसे कैसे परिस्थिति में बैठते हैं, और हम उसी में अगर लाला को ट्रैवलिंग में लेके जाते हैं तो हमें इतना बेसिक काम हमेशा करना चाहिए ताकि वो जगह शुद्ध हो जाए। गंगा जल और तुलसी जल से ज़्यादा पवित्र तो कुछ भी नहीं है, मैंने इससे पहले भी काफ़ी सारे ब्लॉग्स में ये बात कही है। तो ये हो गया, ये देखिए ये भी दोनों फ्रॉक हैं छोटे छोटे, ज़्यादा तो लेके नहीं जा रहे हैं, इनके ही लेके जाएंगे, छोटे वाले बाबू के ही सब, इनका ही है सब। तो फिर अभी ये आने वाला तो है नहीं, है नहीं आओगे ना तुम, ठीक बात, बस यहीं तक का प्यार था तुम्हारा। मैं को कल से इतना टेंशन हो रहा है ना, गए नहीं है अभी तक,
मेरा मेरे को रोना धोना टेंशन कल से ही मेरा चालू है। चलो क्या करें, अब ये वाला ले लेते हैं, ये वाइट वाला पहनाएंगे बर्थडे के दिन सुबह, और फिर हम शाम को उनको मस्त बढ़िया सा सुंदर वाला फ्रॉक पहनाएंगे अच्छा सा। और ये इनके कॉटन के ड्रेस हैं, ये तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने इसका पूरा व्लॉग बनाया है कि लाला के कपड़े कितने कितने कहाँ कहाँ से लिए थे वो सब, तो आप देख लेना उसमें आपको मिल जाएगा। ये इनकी पगड़ी है सब सुंदर वाली, इसका भी व्लॉग बना है। ये सब थोड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत हैवी है ये सब। और ये रहा एक, अभी कुछ चीज़ें और हैं जो रखी होंगी कहीं, अचानक अचानक से मिलेंगी मुझे एक एक करके। और इसमें हमारे दोनों लाला का सेम कपड़े हैं, अभी ये कंफ्यूज, अभी इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि जिस दिन पूजा होगा उस दिन ये क्या पहनेंगे, लेकिन तब तक हम इनका ये सब रख लेते हैं। ये देखो परी वाला ड्रेस इनका, ऐसे करके पहनते हैं, ये परी नहीं है मेरा परा है। ये इनकी कंगन, इतना सारा इनको ले, पहली बार आए हैं ना इसीलिए, देखो हम कोई बोलते हैं ना कि कोई मेहमान घर पे आता है आपके करीबी रिश्तेदार, तो हम जब विदाई करते हैं तो कैसे भर भर के सब चीज़ें देते हैं, वही कर रही हूँ मैं। ये आए थे अपनी बहन के पास सेवा करवाने, सेवा के बहाने ये देखो ये सब क्या हो रहा है, ये छोटे छोटे इनके कपड़े, ये सब भी मैं दे देती हूँ। कपड़े तो खूब ली हूँ मैं इस बार, मैं बोलती हूँ हाँ ऐश करो ऐश। तो हमने सारी चीज़ें पैक कर दी, इसके अंदर हमने ये पैक बैग में हमने लाला के जो नॉर्मल डेज में जो कपड़े पहनते हैं वो पैक किया है, वो मैंने इसमें इसलिए रख दिया क्योंकि छोटे छोटे कपड़े कहीं खो जाएंगे वहाँ जाके फिर ढूंढना पड़ेगा, इससे बेटर है इसमें रख देती हूँ। और इसमें इनकी चड्डी गंजी जो नॉर्मल चीज़ें रात को पहन के सोते हैं ये सब मैं इसके अंदर रखूँगी, और रात को मैं ही है ऐसी गंजी पहना के लेके जाऊँगी ताकि थोड़ा सा रिलैक्स रहे। वैसे तो एसी बस है अच्छी वाली, लेकिन फिर भी, और उसको इसको तो हम ऐसे ही रख देंगे, हमको इजीली मिल जाएगा ये इस तरह। कितने सारे हैं, एक दो तीन, उधर एक चार, नीचे टोपी और ये सब, ये इसमें रख देती हूँ मैं, वहाँ जाके हमको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े क्योंकि हम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुँचेंगे ना, फिर इनको नहला धुला के तैयार भी तो करना होगा। ये हो गया हमारे छोटे बाबू का, ये रहा, हम इनको यही पहनाते हैं रात को ताकि एसी में सोते हैं ना, ताकि उनको फिर ठंडी ना लग जाए इस वजह से। चलो बाकी देखते हैं, छोटे बाबू की सारी चीज़ें पैक कर दी हमने, फिर हम बड़े बाबू का करते हैं, तो हम भी उनके लिए ऐसे ही गंजी रखेंगे क्योंकि मुंबई में है ना, मुंबई से ज़्यादा गर्मी अहमदाबाद में है, तो उसके हिसाब से हम सिर्फ गर्मी के ही कपड़े लेके जाएंगे, बिल्कुल हैवी कपड़े हम उनको पहनाने वाले नहीं हैं क्योंकि मुझे पता है हमारी हालत ख़राब है। मम्मी बोलती है किचन में खाना नहीं बनाया जा रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतना पसीना हो जाता है, तो उस अकॉर्डिंग हम इनको सिर्फ हल्के हल्के ही कपड़े लेके जा रहे हैं। वैसे भी 10 दिन के लिए जाना है, 11वें दिन हम वापस आ जाएंगे। इनकी चड्डी रख देते हैं और ये इनकी 2 लंगोट रख देते हैं, बस गर्मी ठंडी रात में जो पहनने वाले जो इनके कपड़े वो हमने रख दिए हैं, बाकी हम इस तरीके की ही सारी चीज़ें रखेंगे, एकदम ईजीली हल्का हल्का पहनेंगे अपना, हल्का हल्का पहन के वापस आ जाएंगे। तो ये हमने ये वाले बैग में हमारे बड़े वाले लाला की गंजी जो दिन में पहनेंगे और रात में पहनने के लिए, इनकी चड्डी और इनका लंगोट और छोटी वाली जो टोपी पहनते हैं वेस्टर्न वाली, वो सब हमने इसमें रख दिया है। और ये देखो एकदम बढ़िया तरीके से पैक हो गया, घर जाके बिल्कुल भी हमको ताम झाम करना नहीं पड़ेगा। ये हो गई है मेजर चीज़ें पैक, अब हमको सिर्फ इतना डिसाइड करना है कि हम इनको बर्थडे के दिन क्या पहनाएं, मेन मसला। चलो वो भी सोचते हैं बाद में, तब तक हम पहले ज्वेलरी रख लेते हैं। तो राधिशा ये तो डब्बा है ज्वेलरी का सुंदर वाला, इसका भी ब्लॉग बनाया है मैंने, और ये इधर हमारे लाला की सारी ज्वेलरीज हैं। तो हम सबसे पहले लाला की ज्वेलरीज अलग कर देते हैं, कौन कौन सी ज्वेलरीज ये रखेंगे, कौन कौन सी पहननी है इनको। ये इसके अंदर इनके कंगन है, और एक्स्ट्रा कंगन हम ये लेके आए थे, मम्मी को दूंगी ना, तो मम्मी वैसे भी मेरी सब एक ही कलर लगता है मेरी मम्मी को, मेरी मम्मी को लाल पीले काले नीले में कोई फर्क नहीं दिखता। गुस्सा हो जाएंगे मेरे मम्मी के बारे में ऐसा क्यों बोले। तो चलो अभी हम पहले ये कर लेते हैं, फिर बाद में बाकी की चीज़ें करते हैं। इनकी बांसुरी मैंने ले ली है, ठीक है,
इनके विग वगैरह भी उधर है, विग तो लगाएंगे नहीं, गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो ये सब रख देती हूँ पहले मैं। तो ये हमने देखे छोटे वाले बाबू के सारी ज्वेलरीज रख दिए हमने। क्या किया है, जो इनके पास पुराने वाले थे वो हमने अपने पास रख लिए, जो नए नए वाले जो अच्छे अच्छे वाले थे ये भी हमने लाला को दे दिए हैं। तो ये हमारे छोटे वाले लाला की ज्वेलरी हो गई, इसमें इसमें उनके कंगन वगैरह जो मंगाए थे हमने वो सब हो गया है। और ये इसके अंदर हमारे लाला का इत्र है, उनका मिरर है, उनकी लिपस्टिक है, ये सब हमने इसी में रख दिया है। एक हमारा ये मेजर काम ख़त्म हो गया, इसमें भी ज्वेलरीज हैं थोड़ी बहुत, ये भी अभी हम सरिया लेते हैं इसको भी अच्छे तरीके से, ये हम लाला को ही दे दे देंगे, ये वाला भी लाला ही पहनेंगे। ये वाला कितना सुंदर है ये वाला, ठीक है। बड़े वाले बाबू का भी अभी देखते हैं क्या करना है उनका। किसी की भी पैकिंग करनी हो एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे तो लग ही जाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। बड़े बाबू का ज्वेलरी का बॉक्स रख, मुझे मेरे कपड़े भी रखने हैं ना इसके अंदर, कम से कम दो जोड़ी तो कपड़े लेके जाऊँ, पहनूंगी क्या वहाँ जाके। मैं बोलती हूँ हमेशा आ जाती हूँ झूलन लाल की तरह, झूलते झूलते कपड़े लेके नहीं आती अपने, ये ले ले रख रख देती हूँ मैं कम से कम एटलीस्ट अपने। अरे यार अभी छोटे बांसुरी वगैरह भी रखनी है, वैसे तो मैं गर्मी में बांसुरी वगैरह देती नहीं हूँ लाला को, इसमें तो हमने कंगन रख दिया है सारे, बस मेरी साड़ी रखने की एक दो जगह मिल जाए भगवान प्लीज। हाँ बाबू प्लीज आपको मेरी कसम, ऐसा मत क्या करो यार, तुम थोड़ा बहुत रखने की जगह तो दो मेरे को, हद कर लो यार। बुब्बू बैजंती माला, ये देखो ये बैजंती माला है, ये दो तीन नॉर्मल चीजें रख लेती हूँ ना मैं पहनाने के लिए, वहां काम आएगा। ये इनकी इयररिंग्स हैं, इसमें से एक इयररिंग खो गई, मैं क्या किसी और को बोलूंगी अच्छे से रखो, मेरे से खुद से कुछ नहीं ठीक से रखा जाता कभी कभी, इतना संभाल के रखती हूँ ना फिर भी मेरे से चीजें खो जाती है, पता नहीं कैसे मैं इतनी बुद्धिमान हो गई हूँ। ये रख लेती हूँ बस, कितना बस 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 करके तो इतना सारा रख ली मैं, हो गया बस, अब नहीं रखूंगी एक भी, नॉर्मल डेज में पहनने के लिए बहुत हो गया। ये और ये रख लेती हूँ बस, इसके बाद एक भी नहीं रखूंगी, ये हो गया ठीक है। चलो अब ये पैक कर देते हैं। वैसे तो हमारे लाला का बैग ये है, हम इस बैग में लाला की सारी चीज़ें लेके जाते हैं, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं ऑलरेडी पूरा पैक हो चुका है, इवन इफ मेरे कपड़े रखने की जगह नहीं अभी, इनके तो और बाकी हैं वो अलग से, ये देखिए अभी तो ये सब कपड़े रखने हैं हमें और एक्स्ट्रा, मुझे लग रहा है कि मेरे को पास कुछ कपड़े बचेंगे नहीं। तो हमने ये डिसाइड किया है कि लाला के बर्थडे के दिन हम ये वाला पहनाएंगे शाम को, क्योंकि गर्मी बहुत है और वो कह रहे हैं कि वो एक भी हैवी ड्रेस नहीं पहनेंगे, तो हमने बोला ठीक है तो ये हम शाम को पहनाएंगे और ये हम लाला को सुबह पहनाएंगे, दोनों के पास सेम मैचिंग मैचिंग है, तो ये डिसाइड हो गया है। और हम बाकी सब ये सारे कपड़े इसके अंदर रखेंगे, फिलहाल की पैकिंग हो गई हमारी पूरी, तो अब ये हम ये सब हैवी हैवी यहाँ रख देते हैं और ये पहनेंगे जगन्नाथ यात्रा पे। हमने ये इसके पहले वाला जो जन्माष्टमी, तो 2 साल हो गए ना लाला को, इसके पहले वाली जो जन्माष्टमी थी उसमें हमने ये लाला को पहनाया था, और लास्ट ईयर हमने ये वाला पोशाक लाला को जन्माष्टमी में पहनाया था। तो ऐसा सेम हमारे छोटे वाले बाबू के पास भी है, तो हम इसको रख देते हैं यहाँ पे क्योंकि हमको छोटे वाले बाबू का वहाँ मिल जाएगा। तो अब एक ही बार पहना अभी तक इन्होंने, दूसरी बार ये वाला पहना ही नहीं है पोशाक, तो ये हो गया। बाकी सब हम ये चीज़ें रखेंगे और फिर पैकिंग हो गई हमारी डन। मुझे लग रहा है मैं अपना साड़ी वगैरह मुझे बैग में लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास तो जगह इसमें तो बाबू जगह दे नहीं रहे, बोले कि नहीं मेरे बैग में नॉट अलाउड। ये हो गया डन, चलो सारी चीज़ें हो गई, ये इनकी इसमें हम रख देते हैं फटाफट फटाफट। खुल जा भाई खुल जा खुल जा खुल जा, इतने सारे कपड़े लेके आई थी मैं, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि लाला इतने टाइम तक रहेंगे भी मेरे साथ, मैंने तो नहीं सोचा था, बट चलो अच्छा है उतना प्यार करते हैं मेरे पास रुक गए इतने टाइम के लिए। तो ये हो गया सारे कपड़े, ये पहना था देखो उन्होंने लास्ट ईयर जन्माष्टमी में, है ना कितना सुंदर, कपड़े तो सुंदर सुंदर है ही सब इनके पास। मैं कपड़ों में इनके लिए कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, भले कुछ भी हो कपड़े अच्छे पहने, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं ना, हमारे घर पे ठाकुर जी हैं तो उनके भी कपड़े हम अच्छे ही हमको पहनाने चाहिए, हम अपने बच्चों के लिए कैसे अच्छे अच्छे कपड़े लेके आते हैं, अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेके आते हैं, ठाकुर जी की बात आती है हाँ कुछ भी पहना देंगे अरे यही दे दो पहना दो ऐसा नहीं,
ऐसा नहीं करने का। ये हो गया, अब इनकी बांसुरी बची है, ये बांसुरी हम इसमें रख देते हैं। अब हो गया सारा काम खत्म। चलिए बाकी की चीज़ें मैं जरा एक बार देख लेती हूँ कहाँ क्या है। इनके विग रखने हैं, विग भी देखती हूँ कहाँ। छोटे भाई बाबू के विग है, वैसे तो मैं नहीं पहनाऊंगी उनको, लेकिन फिर भी सेफ्टी में ले चलते हैं। मैं जरा देखूँ और भी कुछ चीज़ तो नहीं भूली मैं। तो हमने कर लिया है सारा पैकिंग। ये हमारे बड़े वाले बाबू का विग है, छोटे वाले बाबू का विग और बांसुरी, ये सब हमने ऑलरेडी रख दी है इसके अंदर सारी चीज़ें। अब कोई चीज़ हमारी बची नहीं है। और जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़ी बहुत पाव ग्राम की जगह है, यानी कि मैं अपनी एक दो साड़ी रख सकती हूँ। चलिए वो सब तो हो गया, वो मैं रख देंगे। और ये हो गया पैकिंग इनका। अब हम जब जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि हम अगर लाला को ट्रैवलिंग में लेके जाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है और क्या क्या चीज़ हमें अपने साथ लाला के लिए लेके जाना है। ये मैं आपको जब हम जाएंगे उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगी, जब मैं हैंड बैग में सारी चीज़ें रखूँगी। चलिए जय श्री राधे। और ये बज रहे हैं रात के 9। हमने हमारे दोनों लाला के कपड़े चेंज करवा दिए हैं। ये इनका बास्केट हमने रेडी कर दिया, पिलो वगैरह साइड में रख दिया, यहाँ पे भी रख दिया, उड़ने के लिए भी ले लिया है। ये इनकी पानी की बॉटल, इसके अंदर हमने पानी रखा है। और एक ये स्प्रे लिया जिसके अंदर गंगा जल, नॉर्मल पानी और तुलसी दल है। जब भी सीट पर बैठे तो इसको स्प्रे करते रहें, अगर वॉशरूम भी जाते हैं तो इसको आप अपने ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। और ये हमने लड्डू रखा है सेफ्टी के लिए, अगर सुबह लेट पहुंचने में हमको लेट हो गया तो हम उनको ये खिला सकते हैं। तो जय श्री राधे, ये हमने पैकिंग की हमारे लाला के लिए।